हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब फिट एंड फाइन होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों याद रखना, जब कोई अकेला अंधकार से लड़ने का संकल्प कर लेता है, जब कोई अकेला अंधकार से लड़ने का संकल्प कर लेता है तो वह जुगनू बन जाता है जो अकेला ही अंधकार में प्रकाश कर देता है। तो आप लगे रहिए अपनी पढ़ाई में। आप ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, घर पर बैठे हैं, ऐसा नहीं है। आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, जब आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट चारों तरफ प्रकाश कर देगा, सबको चौंका देगा कि आपने कितनी अच्छी पढ़ाई की है। आपका रिजल्ट जो है सबको खुश कर देगा। तो उसी के लिए आज का टॉपिक हमारे पास है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इस वीडियो से पहले जो किया था हमने, उसमें पढ़ा था कि ये होते क्या हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। आई होप कि आप समझ गए होंगे। उन्हीं को हम आगे फर्दर करते हैं। देखिए, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन मतलब जो कंडक्टिविटी होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी होती है उसके ऊपर डाइल्यूशन का इफेक्ट क्या पड़ता है, मतलब डाइल्यूशन करने से वो बढ़ती है या घटती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला मतलब होना चाहिए कि डाइल्यूशन है क्या, व्हाट इज डाइल्यूशन। और ये जो टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बनता है इसके ऊपर, ये वाला ग्राफ बनेगा जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, हरियाणा बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी पूछ लेते हैं आराम से, तो आप समझ के करेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे इसके ऊपर, बस ध्यान रखना। तो डाइल्यूशन का मतलब होता है कि पानी ऐड करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए नींबू पानी है, उसमें आपने बनाया दो आदमी के लिए, तीन आदमी आ जाते हैं, तो आप क्या करोगे, उसमें थोड़ा पानी और ऐड कर दोगे, तो डाइल्यूट कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट है ऑन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, किसके ऊपर, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट क्या है। तो ध्यान दीजिए, ये आपके पास है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। जब हम करंट पास करते हैं तो अपोजिट इलेक्ट्रॉन की तरफ, पॉजिटिव जो है नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ मूवमेंट करते हैं। क्लियर बात। अब यहाँ पर बात है डाइल्यूशन की, तो सपोज कीजिए स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है। स्पेसिफिक के अंदर हमने जो वॉल्यूम लेना है वो 1 cm³, मतलब आपका फिक्स रहेगा एरिया जो रहेगा वो 1 cm³ रहेगा, और जो डिस्टेंस है, लेंथ जो होती है हमारे पास दो इलेक्ट्रोड के बीच की, वो 1 cm है। मतलब ये जो वैल्यू है वो स्पेसिफाइड है, फिक्स है। अब क्या किया आपने, इसमें पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद जब इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन डबल हो जाता है तो उसमें से आपको वो अमाउंट लेनी है जो 1 cm³ है। तो क्या होगा, उस वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम होने की वजह से इलेक्ट्रिकल जो स्पेसिफिक जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है, आयंस की वजह से होती है। तो आप याद रखेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन बिकॉज द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। और करंट कैरियर है, मतलब जो आयंस है वो क्या है, करंट कैरियर है, इसलिए जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। याद रखना, बात कंफ्यूजन रहता है कंडक्टिविटी कम कैसे होती है, तो याद रखना स्पेसिफिक है ये, हमारे पास वॉल्यूम क्या है, फिक्स है इसका। ठीक है, अगला जो हमारे पास है मोलर एंड इक्विवेलेंट, इसको आप डिवीजन करें एम से और डीके से। तो ये जो है दोनों क्या होगी, इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, दोनों क्या होगी, इंक्रीज होगी डाइल्यूशन से। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, आपके पास जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के अंदर वापस क्या है, ए पॉजिटिव आयंस है। ठीक है, आपने उसके अंदर वाटर ऐड कर दिया, वाटर ऐड करने से जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने से जो आयंस हैं उनके बीच का जो अट्रैक्शन है, मतलब
इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन एनहेंस मोबिलिटी टुवर्ड अपोजिट इलेक्ट्रोड्स इंक्रीजेस देयरफॉर कंडक्टिविटी मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। बात आगे समझ में आपको, मतलब ये क्या हुआ, ये दोनों क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाती हैं, क्योंकि आयंस जो है ना उन आयंस के बीच का जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा और उसके जो मूवमेंट है इलेक्ट्रोड की तरफ वो ज़्यादा हो जाएगी और मूवमेंट ज़्यादा होगी तो करंट भी ज़्यादा फ्लो करेगा। क्लियर बात आई समझ में, ध्यान रखना इस बात का। अब दोनों तो बढ़ रहे हैं लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हम इसको ग्राफ से देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ पर हमारे पास है कंसेंट्रेशन का स्क्वायर रूट, तो हम इधर जा रहे हैं तो कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, इधर आ रहे हैं तो कंसेंट्रेशन कम हो रही है, मतलब आप डाइल्यूशन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट दो तरह का होता है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। तो पहले ले रहा हूं मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब याद रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे आपके पास है KCl, MgCl2, NaCl, ये सारे क्या हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं जो अपने आयंस में पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं। क्लियर आई बात समझ में। अब इसकी कनेक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी वीक से। क्यों होगी, देखो यहाँ पर ग्राफ में देखना, आप ये नीचे वीक है ऊपर स्ट्रॉन्ग है, ये इतना ज़्यादा है इससे। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में कम्प्लीटली टूट जाता है, इसका मतलब वहाँ पर आयंस ज़्यादा होंगे। समझ में आई बात आपको, तो इसलिए कनेक्टिविटी भी ज़्यादा है। अब वहाँ पर आयंस तो सारे बन चुके हैं, अब जब आप वाटर ऐड करते हैं तो उसका जो कनेक्टिविटी है वो धीरे धीरे बढ़ती है, एकदम से नहीं बढ़ती है। और यहाँ पर आने के बाद जब हम इसको ओवर एक्सट्रापोलेट करते हैं इस ग्राफ को, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ये जो लाइन मिलेगी आपको यहाँ पर आ जाती है, ये जो लाइन देखो यहाँ पर आ गया है, ये जो पॉइंट आ गया है, ये आपकी जो कनेक्टिविटी है इसको बोल देंगे लैम्डा एम नोट। इसका मतलब है इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर जो कनेक्टिविटी है वो, तो ये आपके पास आ जाएगा स्ट्रॉन्ग के लिए। अब याद रखना है इसको निकालते कैसे हैं, इसको निकालने के लिए ग्राफ है डिबे हकल ओन सेजर इक्वेशन, इक्वेशन दी एक साइंटिस्ट ने, उसने क्या कहा लैम्डा एम नोट इज इक्वल टू लैम्डा एम सी माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ सी। तो ये जो इक्वेशन थी हमारे पास, ये याद रखना उस साइंटिस्ट ने दी थी, इसमें हमारे पास दो तीन टर्म अलग अलग हैं, तो पहली जो टर्म हमारे पास है ये याद रखना लैम्डा एम नोट, ये जो हमारे पास है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्या बोलेंगे इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। याद रखना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लिमिटिंग का मतलब ये होता है कि इसके बाद आप कितना भी डाइल्यूट कर लो कंडक्टिविटी उसकी नहीं बढ़ेगी। बात आई समझ में, तो ये आपके पास है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और यहाँ पर जो दूसरी टर्म है वो आपके पास है लैम्डा एम सी, ये जो होता है मोलर कनेक्टिविटी एट डाइल्यूशन एट कंसेंट्रेशन सी कंसेंट्रेशन के ऊपर जो आपकी हो जाएगी है लैम्डा एम सी। तो दोनों में आप डिफरेंस याद रखेंगे, कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर आपने नोट लगा दिया इसका मतलब वहाँ पर सोल्यूट काफ़ी कम है, सोलवेंट बहुत ज़्यादा है, इनफाइनाइट बोलते हैं इसको हमने। क्लियर आई बात सुनिए आपको। अब देखिए, अब नेक्स्ट ले रहे, देखिए यहाँ पे अगला जो रहेगा
अब हम लेते हैं दो टर्म और इसके अंदर, एक आपके पास है ए, ये जो होता है आपके पास, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो उसे नेचर पर डिपेंड करेगा, जैसे NaCl अगर आपके साथ आता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसमें आपका 1 1, MgCl2 अगर आपका आ गया तो पॉजिटिव 2 नेगेटिव 1, तो आपका 2 1, ऐसे ही रहेगा हमारे पास, ये फिक्स रहता है अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब जो आपका सी है, सी इज़ अ कंसेंट्रेशन, जो कंसेंट्रेशन हम चेंज कर रहे हैं वो हमने लिया है। तो ये साइंटिस्ट ने इक्वेशन दी, किसके लिए दिया, ये स्ट्रॉन्ग के लिए दिया। अब दूसरा मान लेते हैं वीक के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इफेक्ट ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब याद रखना, वीक जो होता है वो अपने आयंस में पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होता है। देखना ऐसे कैसे हमारे पास है CH3COOH, ये अगर टूटेगा तो ऐसे पॉजिटिव हो रही है, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ये इक्विलिब्रियम में रहता है। आयंस काफ़ी कम बनते हैं, याद रखना, पार्शियली डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस, तो आयंस कम बनेंगे, इसका मतलब कंडक्टिविटी भी कम होगी, क्योंकि आयंस की वजह से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू काफ़ी कम है, क्यों कम है, क्योंकि आयंस कम है, नहीं के बराबर है। लेकिन जब आप डायल्यूशन करते हैं, देखिए जब आप डायल्यूशन करते हैं तो धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर देखिए इनफाइनाइट डायल्यूशन के ऊपर एकदम स्टीपली बढ़ जाता है। क्वेश्चन बनता है ऐसा क्यों हुआ, वो तो रेगुलरली बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर तो आयंस पूरी तरीके से बन चुके थे, यहाँ पर आयंस नहीं बने थे, इनफाइनाइट डायल्यूशन के ऊपर आयंस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो याद रखना, एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आप नोट करेंगे, नोट करना इसको, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज स्टीपली एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, एट इनफाइनाइट डायल्यूशन बिकॉज डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज, सो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेज, एंड हेंस मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। तो ये जो बात है, ये इसके लिए वीक के लिए और स्ट्रॉन्ग के लिए। अब यहाँ पर एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो आपके पास लाइन दिखाई दे रहा है ना, इसको जीरो को टच नहीं करता, इसके पैरेलल में जाता है, तो इसलिए इसको, इसका जो मोलर कनेक्टिविटी है एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, वो निकालना बड़ा ही मुश्किल था। तो यहाँ पर जो आपको लैम्डा एम है वो हम निकाल ले सकते हैं। उसको निकालने के लिए एक ला दिया, कोहलार्स ला, तो उसको हम निकालेंगे, जो मोलर कंडक्टिविटी है एट इनफाइनाइट डायरेक्शन के ऊपर, उसको हम निकालते हैं किसके साथ, कोहलार्स ला के बेस पे, उसको हम आगे करते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या किया है, इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन ऑन स्पेसिफिक मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक क्या होगी, कम होगी, और वो दोनों क्या होंगे, बढ़ेंगे। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको समझ के करें, ग्राफ ध्यान से बनाएं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आगे करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब।